वहीं कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड करने वाले शातिर अपराधी गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस का कहना है कि पकड़े गए गैंग के यह सदस्य फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाकर भले भले लोगों को अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाते थे। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपी आधार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छेड़छाड़ कर 72 घंटे से पहले ही डेटा को सिंक कर भोले भाले लोगों को थोड़े ही देर में आधार भी उपलब्ध करवा देते थे, जिससे बिना देर किए उस व्यक्ति को आसानी से अपने कामों के लिए मनचाहे जन्मतिथि पर आधार कार्ड प्राप्त हो जाता था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी दसवाल सर के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसी के अंतर्गत थाना दरिया सुजान एवं साइबर जो पुलिस स्टेशन है उसकी टीमों ने मिलकर एक बना अनावरण किया है। इसमें एक नकली आधार बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनका नाम रोहित कुमार, मुकेश सैनी एवं विकास कुमार है, एवं इनके पास से 1 लाख रुपये कैश, आधार बनाने के लिए हम नील का क्लोन, आंखों का क्लोन, आधार कार्ड पर चित्र नकली, उनके लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब बरामद किया गया है। इनका तरीका ये था कि एक डाकघर का कर्मचारी है दीपक कुमार, जो झारखंड का निवासी है, उसके आईडी से ये लोग ऐसी जगह पे टारगेट करते थे जहाँ से जो ऑफिशियल आधार बनाने का सेंटर है सरकारी, वो काफ़ी दूर होता था, तो वहाँ लोगों को एक भ्रमित करके उनके कोर्ट रचित आधार ही बनाते थे और उनकी जो डेटा था उसको यूज़ करके बाकी नकली आधार ही बनाए करते थे। ये उन लोगों से जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा पैसा भी लिया करते थे, एवं ये अपने कंप्यूटर सिस्टम का टाइम बदल कर जो आधार होता था उसको 72 घंटे की जगह 12 घंटे में ही प्रिंटआउट निकाल के दे देते थे। इस पर काम किया जा रहा है, एवं बाकी जगह जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया है वो लोग भी आरोपी बनाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस काम करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया।